हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम में या फिर टैली ईआरपी 9 में ध्यान कहाँ देने की जरूरत है? अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप नई कंपनी बनाते हैं और उस कंडीशन में डेट चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम कहाँ से आती है और क्यों आती है, आज इसी की बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें एक नई कंपनी बनानी है, तो कीबोर्ड से F3 प्रेस कीजिए, यह विंडो ओपन हो जाएगी और यहां से हमें नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए क्रिएट कंपनी पे चलना है। ये आ गए क्रिएट कंपनी पर, ठीक है। ऐसा ही होता है आपके भी साथ जो मैं काम कर रहा हूं। अगर आप बिगिनर हैं तो सीधा आते हैं, क्योंकि टीचर ने यही सिखाया कि आप सीधा जाइए कंपनी बनाइए। तो आप कंपनी बनाने के लिए सीधा आते हैं, F3 प्रेस करते हैं, या अगर आप टैली ईआरपी 9 यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जाकर के फिर कंपनी बनाते हैं, तो ये ऐसा एक फॉर्म खुल जाएगा। अब टीचर ने बताया कंपनी का नाम दीजिए, तो यहां पर आप जो भी कंपनी का नाम है, ये कंपनी का मान लीजिए नाम है, ठीक है। एंटर प्रेस किया, यहां पर एड्रेस आ जाएगा। तो जैसा कि आपके टीचर ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन आपने ये समझा नहीं कि ये करना कैसे है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गया। फिर यहाँ टीचर ने बताया कि स्टेट डालना तो कंपलसरी है, तो स्टेट डाल ही देना, तो ये स्टेट भी डाल दिया आपने, यहाँ पिन कोड डाल दिया और बाकी की चीजें ऐसे ही करके आपने एक्सेप्ट कराई। यहाँ पे आ गए फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, तो यहाँ पे टीचर ने बताया कि देख लेना फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो आपको रखना है यहाँ फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली में 1 अप्रैल 2020 रखना है मान लीजिए, तो आपने यहाँ 1/4/2020 कर दिया। काम भी आपका 1/4/2020 से ही शुरू हो रहा है, बस यहाँ पर जाकर के एंटर प्रेस करके और इसे करा दिया एक्सेप्ट, ठीक है। इस वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड चीजें नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के बारे में बता रहा हूँ। तो इसको अब एक्सेप्ट करा लेता हूँ, जीएसटी को ऐसे छोड़ देते हैं, अभी जीएसटी नहीं इनेबल करते हैं। तो ये मोबाइल साइट नाम से कंपनी बन गई। अब प्रॉब्लम कहाँ होगी? जब आप पहली एंट्री पास करने जाएंगे, चाहे वो परचेस वाउचर की हो, रिसेल वाउचर की हो, कहीं भी अगर आपको एंट्री पास करनी है, लाइक अगर मैं परचेस वाउचर में ही चला जाता हूँ और यहाँ पर एंट्री पास करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एक डेट आ रहा है 31 मार्च 2020, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से 1/4/2020 इसको करने की, तो ये देखिए 1/4/2020 हमने कर दिया। अब देखिए यहां पर एंटर प्रेस कर रहा हूं तो यहां पे एंटर हो नहीं रहा है। इस तरह की दिक्कत आपके भी साथ आती होगी और आज के वीडियो में ये सलूशन फाइनली हो जाएगा कि ऐसी दिक्कत आपको क्यों आती है। तो आप देख लीजिए कुछ स्टूडेंट तो यहां पर ध्यान नहीं देते हैं, यहां पर जब कंपनी बनाते हैं, वो कंपनी को एडिट करके दिखाता हूं, यहां से कंपनी पे चलते हैं और इसको अल्टर करते हैं। यहां से जाकर के अल्टर किया हमने, मोबाइल साइट नाम से कंपनी थी। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि आप जो है आपने जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया है वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट किया है और फिर यहां पर काम आपका स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 से ही। अगर काम आपका 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा हो तो यहाँ 2/4/2020 भी कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप पहली एंट्री पास करोगे तब 2/4/2020 में, जब यहाँ आपने लिख दिया होगा 2/4/2020, यानी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब हो गया कि काम कब से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ऊपर आपने फाइनेंशियल ईयर दे ही दिया है। अब देखिए ये कह रहा है कि आप फाइनेंशियल ईयर तो वही रखना है, लेकिन आप डेट चेंज कर रहे हैं, आपका काम कब से स्टार्ट हो रहा है, ये बात आप यहां पर बता रहे हो, तो यहां पे यस कर दीजिए, हम इसको रखेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा दीजिए, ठीक है। अब यहां पर आएंगे, अब देखिए फिर भी स्टूडेंट समझते नहीं है, सीधा जाते हैं यहाँ पे वापस से 25 वर्षों में, फिर एंट्री पास करते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ 1/4/2020 करेंगे तो हो भी नहीं करेगा, अब फिर एंटर प्रेस करेंगे तो फिर भी नहीं होगा, फिर गलती कहाँ हो रही है। तो आपको सीधा कहाँ आ जाना है, सीधा आ जाना है फाइनेंशियल ईयर वाले फंडे पर। तो यहां से आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, या कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि आपने पीरियड चेंज नहीं किया। जब पीरियड चेंज करेंगे, फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे 2019-20 दिखा रहा है और आपने 2020-21 वहां रखा हुआ है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपने रखा था 2020, 1 अप्रैल 2020, और काम कब से स्टार्ट हो रहा था, पहले तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था, बाद में हमने चेंज कर दिया था 2 अप्रैल 2020 से कर दिया था। तो यहां पर आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की जरूरत है। तो जैसे ही यहाँ पे करेंगे 1/4/2020 से स्टार्ट हो रहा है और 31/3/2021 को खत्म होगा, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब देखिए ये हो गया, अब आप एंट्री जब भी पास करेंगे, चाहे परचेस वाउचर में करें या किसी भी वाउचर में, तो आसानी के साथ आप एंट्री पास कर पाएंगे, स्टार्ट हो रहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो F2 प्रेस कीजिए, यहाँ 2/4/2020 आप कर सकते हैं, ये कर दिया हमने 2/4/2020। अब देखिए यहाँ 2/4/2020 हो चुका है, ठीक है। अब ये कैसे पता कि 2/4/2020 हो चुका है, वो अभी आपको पता लगेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कैश में एंट्री पास कर रहे हैं, यहाँ पे आए, ये सब इस तरह से करके एक्सेप्ट करा लीजिए और यहाँ पे एक लेजर बना लेता हूँ परचेज अकाउंट का, इसलिए हमने परचेज अकाउंट एंटरप्रेस करके और एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। तो ये परचेज अकाउंट हो गया। अब देखिए यहाँ 2 अप्रैल 2020 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे जाकर के क्लिक कर दीजिए खाली माउस से और यहाँ 2/4/2020 आप कर दीजिए सीधा सीधा, तो ये भी डेट चेंज हो जाएगी,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम आपका जब से स्टार्ट हो रहा है आप उसी डेट पर काम करना, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी भी ये मिस करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी बनाना है आप आसानी के साथ बना सकते हैं। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी कि ये दिक्कत हो कहां से रही है। प्रॉब्लम इस तरह की बहुत ज्यादा आती है जब आप बिगिनर होते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं टैली सीखने की, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।